जब जब भी मुझे भूख लगती है ना और मन करता है इडली सांभर खाने का, तो मैं कुछ यूं बनाती हूँ जिससे कि मात्र 25 मिनट में इडली और सांभर दोनों तैयार हो जाता है, वो भी एकदम ऑथेंटिक। इसके लिए मैंने इडली के लिए सूजी साथ ही दही को ना पानी के घोल से मिक्स करके साइड कर दिया है। तब तक हम सांभर की सब्जियां कट कर लेंगे। तो मेरा ना अचानक से ही सांभर खाने का दिल किया था, तो मेरे पास जितनी सब्जियां थी ना, मतलब कि बची कुची, यहाँ पर मैंने कद्दू, बैंगन, साथ ही यहाँ पर लौकी लिया है। सारी सब्जियों को पानी में नमक, मिर्ची, तेल, साथ ही करी पत्ता और सांभर मसाला डाल करके 3 विसल लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए इडली का घोल जो है अच्छे से बन चुका है और सूजी जो अच्छे से फूल चुकी है, तो हम इसमें इनो के एक पाउच डाल देंगे और साथ ही थोड़ा सा पानी डाल करके ना घोल को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि कि इडली जो है एकदम अच्छी और फूली फूली मिले। तो ये एकदम परफेक्ट घोल रेडी है, ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला। अब यहाँ पर हम इडली मोल्ड को ना ऑयल से ग्रीस कर देंगे, ताकि हमारी इडली अच्छी तरीके से स्टीम होने के बाद बाहर निकल जाए, बिल्कुल भी ना टूटे। और यहाँ पर मैंने इक्वल साइज में डाल दिया है। आप चाहे तो अगर आपके पास इडली मोल्ड या इडली ट्रे ना हो, तो आप नॉर्मली ना कटोरी में भी बना सकते हैं। अब यहाँ पर इडली पकने रख दी है, तो तड़के में मैंने राई, चना दाल, उड़द दाल, साथ ही करी पत्ता, सूखी लाल मिर्च, इन सबको डाल दिया है। अच्छी तरीके से हम चला लेंगे और तड़का लगा लेंगे। राई का और करी पत्ते का तड़का तो क्या ही बताऊँ सांभर में। उसके बाद यहाँ पर मैंने लंबाई में कटे हुए प्याज डाले हैं। प्याज को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर ना प्याज को लंबाई में ही काट के डाला जाता है, जिससे कि सांभर का टेस्ट ना और ही ज़्यादा बढ़िया लगता है। तो साथ के साथ मैंने एक टमाटर लिया है मीडियम साइज़ का, उसको भी मैंने लंबाई में काट करके डाला है। फिर मैंने डाल दिया है नमक, हल्दी, मिर्ची और साथ ही ना यहाँ पर मैंने इस तरीके से इसे भुना है, ताकि मसालों की जो खुशबू है ना काफ़ी बढ़िया आएगी। और थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इस तरीके से ढक देंगे, ताकि हमारे टमाटर और प्याज जो है अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँ, गल जाएँ। और उसके बाद ये जो कुकर में हमने सीटी लगाई थी ना, तो सीटी में मैंने अरहर दाल भी डाली थी, मैं बताना भूल गई थी। और उसके बाद मैंने यहाँ पर डाला है इमली का पानी। तो ये खट्टाई आपको कितनी चाहिए सांभर में, ये आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो सांभर को अब हम पकने देंगे। साइड बाय साइड मैंने 20 मिनट स्टीम दिया था इडली को, और यहाँ पर हमारी इडली भी एकदम परफेक्टली रेडी हो चुकी है और अच्छी से एकदम फूली फूली सी, सॉफ्ट, एकदम रुई जैसी इडली बन करके रेडी है। तो ये हमारी इडली और सांभर मिनटों में रेडी हो चुका है। खा करके आप एक बार ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रेसिपी है।